नमस्कार, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सिलवासा पुलिस का एक और बड़ा काम, नशा का व्यापार करने वालों में मची खलबली। 1 किलो गांजा के साथ 2 व्यक्ति हुए गिरफ्तार, तस्करों में हड़कंप। गौरतलब बात यह है कि प्रदेश में काफी दिनों से यह मामला सुनने को मिल रहा था कि लगातार युवा नशा का हो रहा है शिकार। ऐसे में जब मामले की जानकारी दादरा नगर हवेली के SP हरेश्वर स्वामी को मिली तो उन्होंने फौरन SDPO मनश्वी जैन एवं सिलवासा थाना प्रभारी सेबेस्टियन देवसिया के अगुवाई में टीम बनाकर पिपरिया आउटपोस्ट के इंचार्ज शशि कुमार सिंह को तस्करी के मामले पर एक्शन करने की रणनीति बनाने को कहा। पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस ने तस्कर को धर दबोचा एवं आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए मामले में हमारी यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं कि किस तरह से लगातार पिछले कई दिनों से पुलिस जो है अपने शिकंजे को कसने की पूरे फिराक में थी और लगातार जिस तरह से प्रदेश में गांजा तस्करी का मामला काफी सुनने में आ रहा था और सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए दादरा नगर हवेली के SP हरेश्वर स्वामी और SDPO मनस्वी जैन द्वारा एक टीम बनाई गई और लगातार उसे उसके पीछे जो पिपरिया आउटपोस्ट, देख सकते हैं आप इस वक्त हम पिपरिया आउटपोस्ट के सामने हैं और किस प्रकार से जो गांजा तस्कर हैं उनके ऊपर शिकंजा कसने के लिए पुलिस पिपरिया आउटपोस्ट के इंचार्ज शशि सिंह के हाथ पे जिस तरह से दावेदारी सौंपी गई और किस प्रकार से इस एरिया में जो एक मामला सामने आ रहा था कि गांजा तस्करी का जो मामला है वो कैसे प्रदेश में फैल रहा है, उसको देखते हुए पुलिस ने जो शिकंजा कसा तो किस प्रकार से यहाँ पर लोगों को अपने हिरासत में पुलिस ने ली और क्या था मामला, आइए सुनते हैं SDPO मनस्वी जैन के द्वारा। आपको दो महत्वपूर्ण कार्य सिलवासा पुलिस ने किए हैं लास्ट 2-3 दिन में, उसका अपडेट देने के लिए आपको बुलाया गया है। पहला तो है एक पिपरिया एरिया में हमारी जो टीम है इन्होंने गांजा की रिकवरी करी है। लास्ट फ्यू डेज से अंदर दी डायरेक्शन ऑफ DIGP एंड SP हरेश्वर सर, हम लोग कंटिन्यूसली इस पे नज़र रखे हुए थे कि कोई इस तरह की एक्टिविटी अगर चल रही है उसको हम लोग रोकें और जो ड्रग है उसको सीज करें और कंसर्न लोग जो हैं उनको भी ट्रेस आउट करके इस नेक्सस को तोड़ें। उसी के तहत ये सर्च ऑपरेशन और पेट्रोलिंग वगैरह चल रही थी, जिसमें कि कल आमली एरिया में ड्यूरिंग पेट्रोलिंग इसको पकड़ा गया 2 लोगों को, उनको सर्च वगैरह किया गया तो उसमें उनके पास से अराउंड 1 kg गांजा मिला है। इसके मद्देनज़र आगे कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की गई, एक्यूज को अरेस्ट किया गया और आज पेश किया गया है। पुलिस कस्टडी भी हमको मिली है और अब ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी हम इसमें और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आगे इसमें कोई लिंक मिलता है तो उसको भी वर्कआउट करेंगे और कोई इसमें बड़ी इन्फॉर्मेशन है तो उस पर भी काम किया जाएगा। ये जो गांजा केस में इन्वॉल्व है इसका नेटिव महाराष्ट्र एरिया से है, 2 लोग हैं महाराष्ट्र एरिया के नेटिव है, बाकी डिटेल्स अभी और बताऊँगा। मनस्वी जैन जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से दो गांजा तस्कर जो है उनको पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है और करीब 1 किलो गांजा जो है बहुत भारी मात्रा में पुलिस ने अपने कब्जे में किया और साथ में पूरे एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद पुलिस जो है उस पर मुकदमा चला दी है। माना जा रहा है कि जिस तरह से पिपरिया विस्तार एक इंडस्ट्रियल विस्तार है, कहीं ना कहीं शशि सिंह ने अपनी बखूबी पुलिस की जो पावर है वो यहाँ के लोगों को दिखाया और जिस तरह से जो अराजक तत्व हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो लगातार कहीं ना कहीं ये जो गांजा तस्कर थे उन तस्करों में भी अपना एक छाप छोड़ा, कहीं ना कहीं पुलिस पर ये जो छाप है ये बहुत बरकरार रहेगा और जो तमाम चीज़ें देखने को मिल रही है कि पुलिस द्वारा जो ये कड़ी कार्रवाई की गई है वो कहीं ना कहीं जो तस्कर हैं उनमें ये चीज़ें गूंज रहा है। कैमरा पर्सन बिट्टू के साथ हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज़ लाइन, सिलवासा।